इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूँ जब सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD जो प्रॉब्लम जो रहती है उस प्रॉब्लम में हमारे साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम रेगुलर बेसिस पे जो नॉर्मल नहीं है उतना ज़्यादा रिपीट करना शुरू कर देते हैं। बार बार हाथ धोने की जैसे प्रॉब्लम होती है, दिन में 7-8 बार नहाने की जो बात हो जाती है, बार बार एक ही चीज़ की सफाई होती है, बार बार कपड़े अलमारी से निकाल के तय करके दोबारा रखने की जो प्रॉब्लम रहती है, यानी कि वो एक्टिविटी जो एक बार हो चुकी है लेकिन माइंड में ये थॉट आता है कि अच्छे से नहीं हुए, फिर से करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर हो जाता है, तो इसको हम OCD का नाम दे देते हैं। जो OCD की प्रॉब्लम रहती है ये छोटी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना बड़ा, मतलब इसको कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है अगर इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो। बट अगर हमने टाइमली इसके ऊपर अपना थेरेपीज करी है, इसके ऊपर हमने एक्शन लिया है, तो OCD की प्रॉब्लम को हम खुद से भी ठीक कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाके भी ठीक करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स लेकर आया हूँ, 3 तरीके लेकर आया हूँ जिससे हम OCD का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन रहता है वो रहता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में आप इसकी मेडिसिंस लेते हैं OCD की, अलग अलग तरह की मेडिसिंस आती हैं, लेकिन आप जब किसी प्रिस्क्राइब्ड इंडिविजुअल के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिनके पास अथॉरिटी है मेडिसिंस देने की, उन्हीं के पास जाइए। जैसे कोई साइकेट्रिस्ट होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, आप इनके पास जाते हैं तो ये आपको मेडिसिंस भी देते हैं। मेडिसिंस के साथ साथ वो और भी थेरेपीज आपको बताते हैं कि ये फिजिकल एक्शन भी आपको करने होते हैं, घर में अपना जो एक शेड्यूल होता है इस प्रकार आपको करना होता है। जब आप मेडिसिंस की हेल्प लेते हैं तो उसमें भी OCD को जो ठीक करने का जो रेशियो रहता है, जो स्पीड रहती है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। दूसरा स्टेप आ जाता है साइकोलॉजिकल हेल्प। साइकोलॉजिकल हेल्प, अब जो OCD है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि हम कोई साइकोलॉजिकल ही सॉल्यूशन क्यों ना लें। तो साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन में भी 2 स्टेप्स और आगे हम आ जाते हैं। सबसे पहला जो इसमें हेल्प आपको मिलेगी, थेरेपी जो रहती है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जो CBT रहती है उसके अंदर हम मसल्स का, यानी कि हमारे फिजिकल एक्शंस का सपोर्ट करते हैं, साथ में काउंसलिंग भी होती है, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके हम जो हमारी OCD की प्रॉब्लम होती है इसको ठीक करते हैं। अगर आपको फील होता है कि जो OCD की प्रॉब्लम है उसके लिए मेरे लिए बेस्ट CBT ही है, तो तुरंत आप किसी उस एक्सपर्ट के पास जाएं जिससे आपको CBT की हेल्प मिल सके, और आप देखेंगे CBT की मदद से बहुत जल्दी आपकी जो OCD की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और CBT के साथ साथ जो दूसरी एक और हेल्प मिल जाती है वो रहती है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी जो रहती है वो रिकॉर्डेड अब तक की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटिव थेरेपी है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं हमें, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, अगर वो हिप्नोथेरेपी से ठीक हो सकती है तो उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी स्पीड से देखते भी हैं। हिप्नोथेरेपी में हर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन OCD का होता है। आप अगर हिप्नोथेरेपी की हेल्प लेना चाहते हैं तो हिप्नोथेरेपी की हेल्प से आप OCD में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि हिप्नोथेरेपी काम करती है हमारे सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड पे, जो हमारा अवचेतन मन रहता है। हमारी सारे प्रॉब्लम्स, हमारा सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही स्टोर्ड रहता है, तो वहीं पे रूट लेवल पे जाके हिप्नोथेरेपी जड़ से उसको प्रॉब्लम को ठीक करती है। थोड़ा सा टाइम लेगी, 1-2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम थी OCD की उसमें काफ़ी हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, बशर्ते आप हिप्नोथेरेपी में जो आपको भी एक्टिविटीज़ दी जाती है घर पे करने को, जब आप उसको भी करते हैं तो ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको विजिबल होता है। चाहे वो CBT हो, चाहे हिप्नोथेरेपी हो, कोई सी भी थेरेपी हो, आपने एक बार अपनी थेरेपी कराई, लेकिन खुद से भी आपको अपना कमिटमेंट देना होता है कि मुझे ये एक्शंस घर पे जाके, ये होमवर्क मुझे घर पे जाके करना है। जब हम इन दोनों को साथ में कंबाइन कर देते हैं तब जाके जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत जल्दी रिकवरी आती है। और अभी जब हम बात कर रहे थे कि सेल्फ एक्शंस की, जो यहीं पर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है इसका, ये है कि सेल्फ हेल्प। अब यहाँ पर किन थेरेपीज़ की मदद से, किन एक्टिविटीज़ की मदद से हम खुद की ही जो प्रॉब्लम है OCD की उसमें इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो रहता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज, आप देखेंगे किसी भी प्रकार की जब हमारे साथ मेंटल प्रॉब्लम होती है तो सेल्फ हेल्प में एक्सरसाइज सबसे पहला पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे जब माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है सबसे पहले हमारा शरीर भी उसके साथ साथ अफेक्ट होता है। हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले 50 बार सोचते हैं और वो एक्शन करते ही नहीं हैं।
तो इस चीज़ को दूर करने के लिए उस एंग्जाइटी, ताकि एंग्जाइटी का जो लेवल है वो ना बढ़े, जो OCD के जो थॉट्स हैं बार बार, जो रेकरिंग थॉट्स आते हैं कि वो बार बार हाथ धोना है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपने मेंटल एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज की मदद लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करते हैं, एक्सरसाइज आप कैसी भी कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, इवन आप चाहें तो डांस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं जिसमें आप फिज़िकली अपने आप को बिज़ी रखते हैं, उसमें आप थकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फिज़िकली तो थक ही रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो जाता है कि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी रहती है उसमें रिफाइनमेंट आती है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जब OCD के जब थॉट्स हमारे माइंड को परेशान करते हैं तो उसके ऊपर हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि अब एक्सरसाइज की वजह से हम अपना मेंटल एटीट्यूड पहले से बेहतर बना चुके होते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है योग और रिलैक्सेशन की टेक्निक्स। जब हम योग करते हैं, योगा जब हम करते हैं, तो इसके अंदर हमारा बेसिकली जो मेन फंक्शनैलिटी रहती है वो ये रहती है कि हम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में कर सकें। इसलिए आप देखेंगे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सदियों से, बहुत पुराने सदियों से, वेदों के समय से योग को किया जा रहा है। और योग करने से पहले का समय, जैसे हम कहते थे कि पहले का टाइम ऐसा था कि लोग 100, 110, 120 साल आराम से जी जाया करते थे, लेकिन आजकल 60-70 के होते ही फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और मेंटली भी बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बुज़ुर्ग समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि विचार नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। जब हम रेगुलर बेसिस पे योग करते हैं तो उसमें हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, और साथ साथ हमारे थॉट्स जो होते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। जब हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं तो कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने क्यों ना आए, वहाँ पर हम पैनिक नहीं रहते, हम उनको कंट्रोल में रखते हैं, हम रिलैक्स्ड रहते हैं। इसलिए योग जो रहता है वो हमारे रिलैक्सेशन थेरेपीज में भी मदद देता है। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ये हमारी बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन थेरेपी होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, जिसमें हम सांसों को कंट्रोल करके, जैसे हम जब लंबी सांस लेते हैं, काम करते हैं, जब हम थक जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारा बॉडी हमें क्या इंडिकेट करता है, हम ऐसा करते हैं, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक हमें हल्का सा, एक आप बोलेंगे कि रिफ्रेशिंग, एक हमें मोमेंटम सा मिल जाता है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हमें देती है। यही चीज़ आप जब रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो जो OCD की प्रॉब्लम होती है, उसके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो आपको परेशान उस मात्रा में नहीं करते और धीरे धीरे उन थॉट्स में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और जो तीसरी जो सेल्फ हेल्प एक्सरसाइज है वो है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो, जैसा हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, वो रहते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस हमने बनाए हैं किस चीज़ को लेके, OCD को ठीक करने के लिए। आप डायरेक्ट अफर्मेशंस बनाएं कि मैं OCD की प्रॉब्लम से ठीक हूँ, मैं अब मेरा जो मेंटल एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, मेरा जो मेंटल बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव है। जब इस तरह के अफर्मेशन सजेशन आप अपने आप को डेली बेसिस पे देते हैं सेल्फ हिप्नोसिस की एक्सरसाइज में, तो आप देखेंगे कि जो आपका मेंटल बिहेवियर है वो पहले से ज़्यादा बहुत पॉजिटिव बन जाता है। पहले जो बात बात पे जो नेगेटिविटी माइंड को सराउंड कर लेती थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ना ना, हर जगह जो नो नो वाला बिहेवियर आ जाता है, वो नो से बदल के यस या ओके में चला जाता है या मे बी में चला जाता है, बट वो डेफिनेटली नो की तरफ नहीं जाता। वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप सेल्फ हिप्नोसिस की एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने आप को मेंटली रूप से पहले से ज़्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव बना रहे हैं। तो जो अभी हमने इस वीडियो में बात करी, वो हमने तीन ऐसे स्टेप्स की बात करी थी जिनकी मदद से हम अपनी OCD की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। चाहे तो हम मेडिसिंस की हेल्प ले सकते हैं, हम साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम खुद की सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं। तीनों थेरेपीज आपके सामने हैं। अगर आपको फील होता है कि मैं खुद से अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। आप अपनी हेल्प करते हैं तो अंदर का जो मोटिवेशन आता है, अंदर से जो सेल्फ इंस्पिरेशन आती है, वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी तरह की सिचुएशन आपके सामने रहती है, उसको ईजिली ओवरकम हम कर लेते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि स्टिल मुझे फील है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली अपने नियर बाय किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी मदद चाहिए, तो हमारी दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इवन डिस्क्रिप्शन पर दी हुई ईमेल आईडी पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आज की वीडियो से संबंधित अगर कोई जानकारी है आपके पास तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।